Hey guys, welcome back to my channel पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन सप्तमी का और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूं। आज तो अष्टमी है लेकिन ये वीडियो कल का है सप्तमी का, तो मैं सप्तमी का वीडियो अपलोड कर रही हूं। हम और गोलू गए थे मार्केट गोलू के लिए लेना था, अच्छा लग रहा है। तो इसको लेके जाने का मतलब है थोड़ा मुसीबत हो जाता है मार्केट में। तो ये देखिए, ये अपने लिए ना ये ड्रेस पसंद कर रही थी ग्रीन, और मैं इसके लिए ये ड्रेस पसंद कर रही थी, बट उसको ये ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। तो ये इस ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन गोलू को वो रेडियम वाला पसंद है। ये देखिए पहनी है तो कितना प्यारा लग रहा है ना ये ड्रेस। तो दुर्गा पूजा में तो बच्चों का ख्वाहिश होता है ना कि बस कपड़े खरीदने हैं तो खरीदने हैं, उसके बिना दुर्गा पूजा पूरा होता ही नहीं है हमारे यहाँ किसी का भी। फिटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए गोलू ये ड्रेस फाइनल की थी लास्ट में, और अभी हम लोग बिल बनवा रहे हैं। और बिल बनवा के अभी जस्ट हम लोग निकले थे, और धूप इतनी ज़्यादा तेज थी ना कि हमको छाता लगाना पड़ गया, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, लगभग 2 बज रहा था और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। और ये देखिए रोड एकदम सन्नाटा था धूप की वजह से। तो आज हम लोग जाने वाले हैं काली मंदिर, लड्डू का मन्नत भी उतारना है। तो ये देखिए मन्नत के लिए मैंने खरीदा है घंटी, और ये लड्डू का मन्नत माना हुआ था कि लड्डू अच्छे से आ जाएगा, तो उसके नाम का एक घंटी बांधेंगे बड़ा सा बड़ी काली माँ में। तो यहाँ पे देखिए उनका सारा श्रृंगार का सामान, चुनरी साड़ी वगैरह सब कुछ मैं मंगा के रखी हूँ। तो अभी मैं भी जा रही थी बस रेडी होने के लिए, माँ का सारा श्रृंगार मैं निकाल के रख दी थी, और यहाँ पे मैं भी लगा रही थी महावर। और आज मैंने ना ऑरेंज साड़ी पहना है, दुर्गा पूजा है ना तो रेड और ऑरेंज तो अच्छा लगता है, इसलिए ऑरेंज साड़ी पहनी हूँ। तो अभी ना माँ हम लोग ना मतलब महावर अभी लगा के आलता लगा के, और उसके बाद फिर हम अभी लड्डू सोया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन सप्तमी का, और अभी हम लोग जा रहे हैं काली मंदिर। आज ना वो घंटी होता है ना, तो घंटी बांधना है, दिखाते हैं आपको। तो अभी तो हम सब रख दिए हैं, तो आपको हम दिखाएँगे। अभी देखिए सब ना इसमें भी सरिया के रख दिए हैं, और लड्डू भी हमारा तैयार हो गया है। तो लड्डू का ही मनीता था कि लड्डू अच्छे से मतलब आ जाएगा ना, तो काली मंदिर में हम लोग घंटी बांधेंगे और चुनरी चढ़ाएंगे। तो अभी नवरात्रि का टाइम है, तो इससे बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता था, तो इसीलिए हम लोग नवरात्रि का दिन ही चुने। तो अभी हमारा ये देखिए साड़ी, ये साड़ी ना मुझे गिफ्ट मतलब पिछले साल तीज में मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था पतिदेव ने, तो एक साल के बाद मैं ये साड़ी निकाली हूँ पहनने के लिए। और अभी तक इसमें मैं फॉल पिक तो कुछ नहीं करवाई थी, तो आज करवाई हूँ। तो कैसा लग रहा है हमारा लुक, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड जो भी नए मेंबर आ रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए चलते हैं। देखिए लड्डू तैयार है, और लड्डू को गोलू काजल कर दी लड्डू को। तुम काजल कर दी? हाँ। लड्डू दीदी काजल कर दी तुमको? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अभी ना हम लोग तैयार हो गए हैं को ले जाने के लिए, और अभी मेरा लड्डू को दिखाते हैं। लड्डू आजा, ये देखिए मेरा लड्डू, कर दो हाय, हेलो। तो गोलू नहीं जा रही है, गोलू को कितना भी कहता रहेगा चलो गोलू तो इसको नहीं जाना है, इसको मंदिर नहीं जाना है हम लोग के साथ, इसीलिए ये घर पे रहेगी ना बेटा। मंदिर में क्या करना है, पूजा पाठ करना है, घंटी टांगना है और आ जाना है। लड्डू खुश है, जान रहे घूमने जा रहा है ना, लल्ला घूमने जा रहा है ना बेटा, लड्डू घूमने जा रहा है, लड्डू घूमने जा रहा है। पता है मंदिर में सो जाता है, क्या कर रहे लड्डू? तो देखिए अभी आ गए थे हम लोग काली मंदिर या नगर की देवी बड़ी काली माँ मंदिर। और ये ना मतलब हम लोग के यहाँ से सबसे साइड में पड़ता है, तो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं अपने ब्लॉग में ये मंदिर, जब यहाँ पे बड़ी काली माँ का पूजा था तो हम लोग आए थे श्रावण के महीने में। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे, और प्रसाद तो ऐसे मैं फल वगैरह सब लेके आई थी, बस यहाँ से ना मतलब बकुंदाना और ये होता है ना सिंदूर वगैरह की बस मैं खरीद रही थी। और अभी जा रहे थे हम लोग अंदर, और शाम का टाइम था तो भीड़ भी कम था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए माँ का श्रृंगार हम चढ़ा रहे थे, और पंडित जी अंदर में थे ना, तो हम लोग कुछ यहाँ पे चढ़ा नहीं पाते,
पंडित जी ही चढ़ाते हैं सब कुछ। तो अभी माँ का चुनरी और साड़ी वगैरह हमें चढ़ा दी थी, और अभी ना माँ को पंडित जी चुनरी जब उड़ा रहे थे तो माँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कि माँ मतलब जो चुनरी उड़ाए थे तो कितनी अच्छी लग रही थी वो। और अभी ना मतलब घंटी जो लेके गए थे उसका भी संकल्प करवाना है। तो अभी पंडित जी चुनरी हमको दिए थे इसमें खोइछा बांधने के लिए, तो उसमें खोइछा और प्रसाद वगैरह बांधने के लिए हमको दे दिए थे। ये देखिए बांध के दिए हैं और माँ को चुनरी चढ़ाया गया है, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और आज लड्डू का मन्नत भी पूरा हो गया, एक साल के बाद लगभग 11 महीने के बाद लड्डू का मन्नत पूरा हुआ है। अभी दशहरा का भी टाइम था और सप्तमी का दिन था, तो दिन बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मैं भी अभी पूजा जो कर रही थी, और अभी ना आरती का टाइम होने वाला था, तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ भी कम था और थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रहे थे, क्योंकि मंदिर मतलब सामने आरती के टाइम पे मंदिर को धोया जाता है यहाँ पे, तो इसलिए फिर वहाँ से ना पट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी मतलब थोड़ा लेट हो गया था कि मंदिर जाने में, क्योंकि लड्डू क्या हुआ था ना कि वो सो गया था, उसको उठाए तो वो बहुत ही रोने लगा, उसको भी रेडी करना था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग को। तो अभी यहाँ पे ना पंडित जी बुलाए थे लड्डू के पापा जी को, और वो घंटी जो मैं दिखाया ना वो उसका संकल्प लेने के लिए। तो ये देखिए अभी घंटी की पूजा हो रही थी और ये संकल्प ले रहे थे, और लड्डू भी ना बड़ा प्यार से बहुत अच्छे से देख रहा था कि पापा जी क्या कर रहे हैं। तो अभी यहाँ मंदिर में ही घंटी बांधना था, तो अभी मंदिर में बाहर में संकल्प करवा के और उसके बाद बाहर में घंटी को फिर ये टांगेंगे जाके। तो अभी हमारा देखिए घंटी का संकल्प हो गया है, और मतलब बहुत अच्छे से हो गया था सारा पूजा पाठ जितना भी था, क्योंकि भीड़ नहीं होने की वजह से ना बहुत ही अच्छा सा हो गया था। सुबह सुबह हम लोग इसलिए नहीं गए थे कि नवरात्रि का टाइम था और भीड़ काफ़ी था। और अभी आप लड्डू लड्डू का आवाज़ भी बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, वो बदमाशी कर रहा है, ब्लॉग एडिट नहीं करने दे रहा है मुझे, तो मैं बोल रही हूँ ना तब वो मेरे हाथ पकड़ के खींच रहा है कि बस छोड़ दो आप। तो अब हमारा हो गया है पूजा पाठ, और अब हम चलेंगे घंटी बांधने के लिए। तो ये देखिए पंडित जी ने घंटी दे दिया है, और ये आ गए हैं लड्डू के पापा घंटी बांधने के लिए लेके सीढ़ी वगैरह लगा के। और हुआ ये था ना कि चैन था थोड़ा मोटा और घंटी के अंदर जा ही नहीं रहा था, तो थोड़ी सी मुसीबत हो गई थी यहाँ पे। तो अभी वो लोग अभी घंटी को बांध रहे थे, तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर था वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मैं सोची कि जब तक वो लोग ये काम कर रहे हैं तब तक हम और जगह पे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर लड्डू को लेके खड़ा रहेंगे हम। तो अभी हमारा यहाँ पे भी पूजा हो गया था, और ये देखिए मंदिर में ही ना एक थे मतलब पंडित जी के साथ कोई जान पहचान के, तो उन्होंने क्या किया था ना कि ये देखिए वो पिलास से फिर घंटी को उसने एडजस्ट करके और बांध दिए थे। और अभी ना मतलब वो बहुत मेहनत की है इसके पीछे, और लड्डू के पापा यहाँ खड़े थे लड्डू को लेके, वो देख रहे थे घंटी, बोल रहे थे पिलास तो है ही नहीं, पिलास रहता तो हो जाता, तो वहाँ पे पिलास खोज के फिर ये लोग घंटी को किसी तरह से एडजस्ट करके बांध रहे थे। और अभी देखिए अब घंटी हो गया था चैन में रेडी, और ये देखिए लड्डू के पापा घंटी को टांग रहे हैं। और बहुत दिन का ये मन्नत था तो पूरा हुआ, अच्छा लगा, कम से कम चलो एक मन्नत पूरा हो गया हमारा, कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए घंटी बांध रहे हैं, और मतलब शाम का टाइम हो गया था, मंदिर ढूंढने भी लगा था अभी, तो सब लोग मंदिर को धो रहे थे और पट बंद हो गया था। तो अभी हम लोग भी कह रहे थे कि भाई जल्दी से होगा मतलब घंटी तुम बांध के, देखिए घंटी बंधा गया है और ये बजा के देख रहे हैं। यहाँ पे मैं भी घंटी भी बजा रही थी, लड्डू देख रहा था, वो बड़ा वाला घंटा लगा था ना वहाँ पे, तो वो घंटा जब बजा रहे थे ना तो लड्डू को डर लगता है उसकी आवाज़ से, वो देखने लगता है। तो हमारा घंटी भी बंद गया था और पूजा पाठ भी हो गया था, माँ का श्रृंगार भी चढ़ गया था, और लोग तैयारी में थे घर जाने की।
तो ये देखिए घंटी इतना ऊंचा बांध रहे थे ना कि हम मतलब पहुँच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी बजा लिए थे किसी तरह कोशिश करके। और माँ का श्रृंगार भी हो गया है आरती के लिए, तो लेकिन हम आरती के टाइम पे नहीं रुक पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे आरती के टाइम पे। तो अभी घंटी बजा रहे थे और बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और आप लोगों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग भी अच्छे से नवरात्रि में पूजा पाठ करें और अच्छे से नवरात्रि मनाएं और दुर्गा माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। और अभी मैं आ गई थी देखिए घर, और घर पे भी मुझे पूजा करना था, दुर्गा चालीसा करना। तो अभी ना घर पे पूजा पाठ करने के बाद अभी समय हो गया है खाना बनाने का, और शाम के लगभग बज चुके थे 7:30, तो इसलिए अब देखिए पूजा करते करते ना पूरा पसीना से इतना ज़्यादा भीग गए हम कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, तब तक के लिए बाय बाय।